नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और वक्त हो गया है करंट अफेयर्स का। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पुरस्कार की घोषणा किसने की है और इसके ऑप्शंस हैं रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा राहत कार्यों में सराहनीय योगदान के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा 21 अक्टूबर के अवसर पर नई दिल्ली में देश को राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल समर्पित करते हुए की। दूसरा प्रश्न, हाल ही में नीति व्याख्यान श्रृंखला का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है और इसके ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है नई दिल्ली। तीसरा प्रश्न, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है और इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, दिल्ली, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है मुंबई। चौथा प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले घरेलू क्रूज अंग्रेज को कहां ध्वज अंकित किया गया है और इसके ऑप्शंस है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई में भारत के पहले लग्जरी क्रूज जहाज अंग्रेज का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्रूज को ध्वजांकित किया। यह मुंबई और गोवा के बीच यात्रा करेगा। पहले मराठा नौसेना एडमिरल कन्होजी आंग्रे और विजय दुर्गा के पास आंग्रे बैंक को कोरल रीफ के नाम पर नामांतरित लग्जरी जहाज में 104 कमरे हैं जो 8 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित है। यह 399 यात्रियों को समायोजित कर सकता है और इसमें 67 चालक दल के सदस्य होंगे जिसमें आतिथ्य और समुद्री चालक दल शामिल है। पांचवा प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है और इसके ऑप्शन है LST, अल्फाबेट या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है अल्फाबेट। सातवां प्रश्न, हाल ही में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है और इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, रामनाथ कोविंद या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है रामनाथ कोविंद। आठवां प्रश्न, हाल ही में डेनमार्क साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता है और इसके ऑप्शंस हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है रजत। भारतीय शटलर साइना नेहवाल ने 21 अक्टूबर 2018 को डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल में रजत पदक जीता है। वहीं डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में वह ताइपे की ताई जू यिंग के खिलाफ 13-21, 21-13, 21-6 से हार गई। बताते चले कि साइना ताइजे यिंग के खिलाफ अपना लगातार 11वां मुकाबला हारी है। साइना को डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के फाइनल में खेलने से उनको वर्ल्ड वुमेन सिंगल्स की रैंकिंग में फायदा हुआ है और वह पूर्ण टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। नौवां प्रश्न, हाल ही में वेल्थ हब किसने लॉन्च किया है और इसके ऑप्शंस है PNB, ICICI बैंक, SBI बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है SBI बैंक। दसवां प्रश्न, हाल ही में मृत और शिशु व्यवस्था पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा है और इसके ऑप्शंस है श्रीलंका, सिंगापुर, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है भारत।